हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट थर्ड सेमेस्टर SY BCOM मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगर SY BCOM का थर्ड सेमेस्टर है और SY BCOM एडवर्टाइजमेंट का अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक देखो। आपके टोटल 4 मॉड्यूल हैं। पेपर पैटर्न का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना होगा, देन ओनली आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पेपर पैटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेमिस्टर थर्ड SY BCOM, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आपके जो 4 मॉड्यूल है तो उसमें पेपर पैटर्न में आपके ब्रीफ क्वेश्चन आते हैं प्लस शॉर्ट नोट आते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इसमें क्या किया, कुछ लास्ट 2 ईयर से ना जो रिपीटेड क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें जो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर है ये वही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइडल या रेगुलर, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो या आप आइडल में एडमिशन लिए हो, तो दोनों के लिए सेम है, इनफ हो जाएगा, एकदम स्कोरिंग हो जाएगा। आप एटलीस्ट 70-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको करना है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एग्जाम इट्स फीचर्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द कंज्यूमर। क्या लिखा है यहाँ पे, कंज्यूमर, ठीक है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन मीडिया, ध्यान देना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग विद, दो सेम पहला क्वेश्चन, ये मतलब 2 साल का जो क्वेश्चन पेपर कॉमन है ना, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब 2 साल आ चुका है तो इस बार भी आने का पूरा चांसेस है। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द एडवर्टाइजिंग, हु आर पार्टिसिपेट इन द एडवर्टाइजिंग, अब कौन कौन पार्टिसिपेट करता है एडवर्टाइजिंग में। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ LA बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 1, मतलब मॉड्यूल नंबर 1 में से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी हम लोग। डिफाइन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एक्सप्लेन इट फीचर्स, एक्सप्लेन द वे इन विच एडवर्टाइजिंग डिस्क्राइब द कंपेंसेट फॉर देयर सर्विस, डिस्क्राइब द स्किल्स रिक्वायर फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द फैक्टर कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, व्हाट आर द यूनिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। ये ब्रीफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूल नंबर 2 में से। अब मॉड्यूल नंबर 3, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्यूचर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिस्कस द फीचर्स ऑफ रूरल एडवर्टाइजिंग, डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ डज द एडवर्टाइजिंग इफेक्ट द मार्केट कंपिटिशन, डिस्कस द कॉमन इथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग, डिस्क्राइब हाउ ASC सेल्फ रेगुलेटेड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। ये हो गया मॉड्यूल नंबर 3। अब हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पर, ओके। आप टेंशन मत लो, इसका पूरा PDF मैं आपको हमारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा जो PDF बता रहा हूँ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। अब ब्रांड बिल्डिंग स्पेशल पर्पस एडवर्टाइजिंग, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए आपके। तो पहला है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, लास्ट ईयर भी आ गया था। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट एक्सिक्यूशन स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस दो बार आ चुका है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूलर का भी 2 बार आ गया है। डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड इन एडवर्टाइजिंग, ये हो गए आपके सारे ब्रीफ क्वेश्चंस। कौन से हो गए, सारे ब्रीफ क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम देखेंगे शॉर्ट नोट जो एग्जाम में आ चुके हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे ब्रीफ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर तो 101% करो, DAVE अनइथिकल प्रैक्टिस इन एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव पिच, मैनेजिंग ब्रांड क्राइसिस, फीचर्स ऑफ ग्रीन एडवर्टाइजिंग, देन एनी 5 बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये 2 ब्रीफ क्वेश्चन में आता। क्रिएटिव पिच अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो आप। प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग,
AIDA इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कल्चरल वैल्यूज ब्रांड इक्विटी। ये तो शॉर्ट नोट ब्रीफ क्वेश्चन दोनों सेम ही है, लेंथ दोनों की सेम होती है, उतना ही बड़ा आंसर लिखना पड़ता है। 7 to 8 पॉइंट्स दोनों में लिखोगे तो इनफ हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो एस वाई बी कॉम थर्ड सेमेस्टर एडवर्टाइजिंग में तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास हो जाओगे। और इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आते रहे। तो प्लीज़ इंफॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।